Hello humans, welcome back to the channel. My name is Shamim and I am a third year medical student at Kazan State Medical University, Russia. अब वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख करके तुमको ये आइडिया लग ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में है. एंड इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन अब्रॉड MBBS एंड वांट टू नो व्हिच इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर बजट, यू हैव कम टू द राइट प्लेस. इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट टॉप 10 मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन रशिया अक्रॉस वेरियस बजट लेवल्स. इस टॉपिक पे ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं. कुछ दीदी भैया लोग इसी सेम टॉपिक पे 3-4 वीडियोस बना के स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रहे हैं. एंड आई नो आप भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, दिन भर यूट्यूब पे सर्च करते रहते हो व्हिच इज द बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर यू. एंड इफ यू आर माय सब्सक्राइबर एंड हैव बीन वॉचिंग माय वीडियोस, यू नो कि मैं अपने वीडियोस में टू द पॉइंट बात करता हूं, कोई बकचोदी नहीं, स्ट्रेट टू द फैक्ट्स. दिस सिंगल वीडियो इज इनफ टू क्लियर ऑल योर डाउट्स कि तुम्हारे बजट के हिसाब से तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी रशिया में कौन सी है. बहुत सारे रिसर्च करने के बाद एंड अपने कई फ्रेंड्स से बात करने के बाद जो कि ऑलरेडी अदर रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, आई केम अप विद दिस टॉप 10 मेडिकल यूनिवर्सिटीज. इस लिस्ट को फाइनलाइज करने के लिए मैंने 5 मेजर क्राइटेरियाज को यूज किया है. यूनिवर्सिटी का लोकेशन, रिकॉग्निशन, एजुकेशन क्वालिटी, क्लिनिकल एक्सपोजर एंड ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी का बजट. आई हैव मेड श्योर कि जिस बजट ब्रैकेट में मैं जो यूनिवर्सिटी रिकमेंड कर रहा हूँ वो उस बजट के हिसाब से सबसे बेस्ट हो, सो दैट ये वीडियो देखने के बाद तुमको यूट्यूब पे और टाइम वेस्ट करना ना पड़े एंड यू आर ओनली फोकस ऑन दैट यूनिवर्सिटी विच यू वांट. तो अगर तुमने मेरा लास्ट वीडियो देखा जो कि इधर आई बटन पे आ रहा होगा, उसमें मैंने बताया है कि यूनिवर्सिटी के बजट को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. यूनिवर्सिटी का 5 मेजर एक्सपेंस प्लस आपके जो पर्सनल एक्सपेंस है. एक एवरेज रशियन सिटीज में 11,000 रूबल्स पर मंथ आता है एंड इफ यू मल्टीप्लाई विद 6 इयर्स इट विल कम अप्रॉक्सिमेटली 8 लाख रूबल्स. इस वीडियो में मैं जो भी यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड करूंगा उस यूनिवर्सिटी के बारे में एक मेजर या हाईलाइटिंग फीचर आपको पक्का मैं रिकमेंड करूंगा, सो दैट आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन पता चले. तो बिना किसी फर्दर बकचोदी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं. आई एम रियली क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग द वीडियो. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो द नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑन द लिस्ट इज कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. KSMU ऑलरेडी इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स हाई MCI पासिंग परसेंटेज. दिस यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1814 एंड अभी ये 200 से भी ज्यादा साल पुराना है. KSMU की जो फीस है वो 4,16,000 रूबल्स पर ईयर है एंड इसके हॉस्टल की फीस 18,000 रूबल्स पर ईयर है एंड जो इसका अदर एक्सपेंस है वो 13,200 रूबल्स पर ईयर आता है. बात करते हैं KSMU के हाइलाइटिंग फीचर के बारे में. तो जैसा कि आपको पता होगा कि KSMU ऑलरेडी इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है बिकॉज ऑफ इट्स हाई MCI पासिंग परसेंटेज. वन बोनस हाइलाइटिंग फीचर ऑफ KSMU इज दैट सिंस इट इज द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ रशिया, थर्ड कैपिटल ऑफ रशिया, यहाँ का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत ज्यादा अच्छा है एंड उसकी वजह से जो भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो वन ऑफ द बेस्ट इन रशिया होगा. अब नंबर 2 पे है कजान फेडरल यूनिवर्सिटी. वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1804. इसका जो मेडिकल ब्रांच है अभी 2014 से ही उन्होंने MBBS पढ़ाना स्टार्ट किया है. इस फेयरली अ न्यू यूनिवर्सिटी जहां से अभी सिर्फ 3 MBBS के बैच पास आउट हो चुके हैं. सो इफ यू टॉक अबाउट फीस तो इट्स 4,70,000 रूबल्स पर ईयर एंड हॉस्टल फीस इज 7,000 रूबल्स पर ईयर एंड अदर चार्जेस आर 13,200 रूबल्स पर ईयर. सो द हाईलाइटिंग फीचर ऑफ KFU इज दैट सिंस इट इज अ फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे बहुत सारे डिसिप्लिन के बच्चे पढ़ते हैं एंड यहाँ पे बच्चे ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं, तो अगर आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए तो वो यहाँ पे आपको भर भर के मिलेगा. It was established in the year 1935. This university is located on the western part of Russia in Kursk Oblast region, which is near to the Ukraine border. And this university mein jo fees hai wo dollars mein submit hoti hai and its fees is $5,500 per year and hostel fees is $700 per year and other expenses are $250 per year. Let's talk about the highlighting feature of Kursk State Medical University. तो यहाँ का भी जो MCI passing percentage है वो भी really अच्छा होता है. It ranges between 20-25% per year. The second best highlighting feature of this university is कि यहाँ पे जो research opportunities हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. If you are interested in research and अगर आप further research में आगे जाना चाहते हो, you should definitely join this university. And it was established in the year 1935. इस यूनिवर्सिटी का भी बजट थोड़ा सा ही है. अगर आप फीस की बात करें तो इट्स 4,65,000 रूबल्स पर ईयर एंड हॉस्टल फीस इज 30,000 रूबल्स पर ईयर. अदर एक्सपेंस दैट विल बी 13,200 रूबल्स पर ईयर. वोल्गोग्राद इज अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्रियल सिटी एंड ये बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल सिटी है. अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो तो यू शुड नो कि इस सिटी का पहले का नाम स्टालिनग्राद था एंड ये वही सिटी है जहाँ पे उस टाइम के सोवियत यूनियन के लीडर स्टालिन ने हिटलर के नाजी आर्मी को हराया था World War II में. अब इस यूनिवर्सिटी के अगर हाईलाइटिंग फीचर की बात करें तो यहाँ का भी जो MCI पासिंग परसेंटेज है भी काफी अच्छा होता है. 20-30% वेरी करता रहता है हर साल एंड ये वन ऑफ द फ्यू यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इंडियंस बहुत पहले से MBBS करते हुए जा रहे हैं. वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में काफी अच्छा इंडियन कम्युनिटी
इम्यूनिटी ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपको एक घर जैसा फील होगा। तो अभी तक मैंने 30 लाख के ऊपर 4 यूनिवर्सिटी को रिकमेंड किया है। तो आई बिलीव कि अगर आप 30 लाख दे सकते हो तो यू कैन इजिली स्ट्रेच योर बजट टू 35, 36, 37। एंड जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है मेरा पर्सनली, दैट विल बी नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी जो कि अंडर 30 लाख है, बिटवीन 25 to 30 लाख। तो पांचवें नंबर पर है समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1919। एंड यहाँ की जो फीस है तो एक साल की 3,30,000 रूबल्स पर ईयर है। हॉस्टल फीस वेरीज बिटवीन 25 to 35,000 रूबल्स पर ईयर। अगर आप अदर एक्सपेंस की बात करें तो दैट विल बी अराउंड 15,000 रूबल्स पर ईयर। हमारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पिछले एक दो साल से ज्यादा पॉपुलराइज हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स लो बजट एंड इट्स लोकेशन। हमारा जो सिटी है वो कजान से 4-5 घंटे की दूरी पर है एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। एंड इफ यू आर कंसिडरिंग अबाउट हमारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, शुड बी अ गुड चॉइस फॉर यू। इस यूनिवर्सिटी के हाईलाइटिंग फीचर के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिटी है बजट के हिसाब से वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। अब छठे नंबर पर है रोस्टोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1915। अगर फीस की बात करें तो यहाँ पे जो फीस है वो 2,95,000 रूबल्स पर ईयर है एंड हॉस्टल फीस इज 20,000 रूबल्स पर ईयर। अगर आप अदर एक्सपेंस की बात करो तो दैट विल बी 50,000 रूबल्स पर ईयर। द हाईलाइटिंग फीचर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो द MCI पासिंग परसेंटेज जो कि हर साल वेरी करता है 15 से 25% के बीच में। एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी लोकेटेड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ डाउन रिवर। इफ यू कंपेयर द एजुकेशन क्वालिटी विद द फीस तो इट इज वर्थ एवरी पेनी। सातवें नंबर पर आता है बश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1932। एंड 2020 के बाद इस यूनिवर्सिटी ने जो पॉपुलैरिटी गेन की है आई एम रियली शॉक्ड बिकॉज 2020 के पहले यहाँ पे बाइलिंगुअल पढ़ाई होती थी एंड 2020 से यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में टोटल इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर दिया गया है। नाउ द हाईलाइटिंग फीचर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज एक्चुअली नन। ये एक काफी बेसिक सा यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे एजेंट्स वगैरह प्रमोट करते हैं तो बच्चे जाते हैं एंड वहाँ पे एक इंडियन कम्युनिटी ऑलरेडी बिल्डअप हो चुकी है। तो आठवें नंबर पर लो बजट का प्यारा सबका दुलारा क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1918। तो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के हाईलाइटिंग फीचर के बारे में बात कर ले तो जो CFU है वो एक आइलैंड टाइप के लोकेशन में लोकेटेड है। मेनलैंड रशिया में नहीं, रशिया के बाहर एक आइलैंड है यूक्रेन के साइड में, वहाँ पे लोकेटेड है। एंड वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता है, इट इज माइल्ड टेम्परेचर। जिसको ठंड वगैरह से एलर्जी है वो क्रीमिया को कंसिडर कर सकता है। तो नाइन्थ नंबर पे वी हैव त्वे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1939। यहाँ की जो फीस है वो 2,63,000 रूबल्स पर ईयर है एंड हॉस्टल फीस इज 12,000 रूबल्स पर ईयर। एंड अदर एक्सपेंस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी विल बी 6,500 रूबल्स पर ईयर। तो इफ यू डोंट नो अबाउट त्वे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इट इज लोकेटेड वेरी नियर टू मॉस्को। आप हर वीकेंड मॉस्को घूमने जा सकते हो। दिस यूनिवर्सिटी हैज बीन अ वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर ऑल द इंडियन स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ इट्स लो बजट। सो अभी तक मैंने अंडर 30 लाख 5 यूनिवर्सिटी रिकमेंड किया है। तो अगर आप मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से पूछोगे जो कि अपने मैंने फ्रेंड्स वगैरह से बातचीत करके निकाला है, मेरा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ एडमिशन कुछ इस तरीके से होगा। क्रीमिया को मैंने लास्ट पे इसलिए रखा है बिकॉज डिस्प्यूटेड एरिया में लोकेटेड है एंड वहाँ पे कभी भी वॉर वगैरह जैसा सिचुएशन हो सकता है। दैट्स वाई मुझे वो यूनिवर्सिटी उतनी अच्छी नहीं लगती है। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट यूनिवर्सिटी में। एंड ये यूनिवर्सिटी, ये समझ लो कि अगर आपको सिर्फ डिग्री चाहिए तो उसके लिए है बिकॉज यहाँ पे जो फीस है वो बहुत ज़्यादा कम है। एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1957 एंड यहाँ की जो फीस है वो 1,80,000 रूबल्स पर ईयर है एंड हॉस्टल फीस इज 7,000 रूबल्स पर ईयर। उस हिसाब से अगर आप इस यूनिवर्सिटी का बजट कैलकुलेट करो तो बजट ऑफ एंटायर 6 ईयर्स विल बी अंडर 12 लाख फॉर द एंटायर 6 ईयर्स ऑफ 5 मेजर एक्सपेंस। प्लस अगर आप उसमें अपने पर्सनल एक्सपेंस ऐड करते हो सो दैट विल गो अराउंड 20 लाख रूबल। एंड अगर इस यूनिवर्सिटी के हाईलाइटिंग फीचर के बारे में बात करें तो सिंस ये यूनिवर्सिटी इतनी सस्ती है कि जिसको भी अगर यू नो डिग्री वगैरह सिर्फ लेने से मतलब है एंड जिसका बजट सच में बहुत ज्यादा कम है एंड दे रियली वांट टू डू अब्रॉड MBBS, सो ये यूनिवर्सिटी उनके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। आई होप मैंने आपकी ये जो बजट रिलेटेड इश्यूज हैं यूनिवर्सिटी को लेकर के वो इस वीडियो के थ्रू मैंने सॉल्व कर ही दिया होगा। अंडर 30 लाख, अबव 30 लाख, बिलो 20 लाख, मैंने सारे इश्यूज सॉल्व कर दिए हैं होपफुली। एंड स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। सबके चैट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में लोकेटेड है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो। एंड अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको पर्सनली बात करना है मेरे से यू नो वेयर टू फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय। हां प्लीज सब्सक्राइब कर दो भाई, मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।
It's hard to breathe, but that's alright. Hush.